अरे पूरा बोलो 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 अफसोस है, अफसोस है। ओपन करो ना प्लीज। अरे इनको लगा। देखी कि सर इससे पहले ना पी लें सर वी हैव टू गो डाउन। सर अभी होने के बाद इधर एक फोटो चाहिए आई स्लिप करके आ जाओ आई हां ये इसके कांच में कांच नहीं भाई नहीं नहीं सर दोनों पीछे खड़े रहो आप आगे रह दो आप खड़े रहिए मैं इधर बैठा हूं हां सर स्टैंडिंग सर आप स्टैंड ये निखिल आगे आगे हाँ पीछे से क्लियर
ब्रह्म या दादा दादा और एक बाद में लास्ट फ्रेम यहाँ पर हमको जी उधर से आना पड़ेगा। आइए सर एक्सक्यूज मी मैम थोड़ा पीछे आइए ओके चलो अभी यहाँ पर नहीं नहीं क्या डालोगे आप पूरा हमारा ये सब कॉन्सेप्ट चोरी कर रहे हो कॉपीराइट मारेंगे हम लोग नहीं नहीं डब्बू रत्ना नहीं भाई सर कॉपीराइट हम मारेंगे पीछे से ये सीधा कर लो सर 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 रुकिए स्वर सर वैसे हाँ यार स्टैंड ए दादा ओ वीडियो वाला दादा आपने बहुत छापा यार हमको छापने दे जरा ए दादा अरे फ्रेम में वो बोर्ड नहीं दिख रहा बच्चा प्लीज अरे फिर हम घर जा गॉट इट सर थैंक यू यार ये लोग कौन से हमारा ही चोरी करते हैं इतने टाइम से वो लोग कर रहे वीडियो क्या कर रहे हैं लोग और नहीं तो क्या थैंक यू थैंक यू सर OMG ये मेरे बड़े खुशी का त्यौहार टाइप ही होता है जब मैं मीडिया से मुलाकात होती है जब ऐसे अच्छे अच्छे शोज़ में तो OMG का 10वां सीज़न आया है आप लोग मेरे ख्याल से स्पेशली आप मुझको कम से कम नहीं तो OMG के 7-8 साल से मिले फर्स्ट सीज़न से आ रहे हो आप तो समझ लीजिए आप भी 8 साल से इस शो के लिए तो स्पेशली हम मिल ही रहे हैं वैसे तो हम मिलते रहते हैं इधर उधर कोई अपनी न्यूज़ दे देता है मर गया कोई दे देता है ऐसा हो गया वो तो सब अलग जगहों पे मिलते रहते हैं लेकिन ये अच्छे ऐसे अच्छे ओकेजन्स पे मिलना बड़ी खुशी की बात है और आज की डेट में जहाँ पर एक ज़माना था जब इस तरीके के फैक्चुअल एंटरटेनमेंट वाले शोज़ आते थे लोग इतना देखते थे क्योंकि कंटेंट नहीं था शोज़ ही पे बनते थे एक आध दो आज की डेट में इतने सारे शोज़ हैं दुनिया भर में आपके मोबाइल पे हर दूसरे मिनट में सोशल मीडिया पे कंटेंट आ रहा है हर दूसरे मिनट पे कोई गाना आ रहा है कोई लड़की लॉन्च हो रही है कोई कुछ हो रहा है कोई कुछ कर रहा है इतने कंटेंट के बाद अगर किसी शो का 10वां सीज़न आता है आज की डेट में तो वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है आपसे जानना चाहेंगे सर जैसे कि हमने शॉर्ट वीडियोस में देखे काफ़ी यू नो टैलेंटेड लोग हैं सो आपके मनपसंद मतलब कौन फेवरेट रहे हैं बहुत सारे हैं मेरे बहुत सारे इस सीज़न का मैं आपको बताऊं अब इस सीज़न में मैं गया था झारसुगड़ा एक जगह है उड़ीसा भुवनेश्वर से मैं फ्लाई करके गया सोनामारा एक जगह है हॉकी विलेज है इंडिया का मैं वहाँ पर गया वहाँ पर जिस घर में घुसो आप वहाँ पर आपको हॉकी प्लेयर मिलेगा स्टूडेंट मिलेगा जो हॉकी सीख रहा है और हमारे हॉकी एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्की जो कि पद्मश्री हैं अर्जुन अवार्डी हैं वो थे हमारे साथ और सुभद्रा प्रधान इंडियन वीमेन हॉकी टीम की कैप्टन तो उनका मैंने इंटरव्यू किया उनके साथ मैं पूरा गांव घूमा अरे इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ उन लोगों की उन्होंने बताया कि किस गरीबी से वो लोगों ने कैसे पत्तों को बांध के वो लोग बॉल बना के कैसे हॉकी सिखाते थे कैसे हॉकी की शुरुआत हुई जब मैं वहाँ पर था मेरे को तो गूज़बम्स थे मैंने देखा वहाँ पर इनकी तस्वीरें बनी है रोडों पे इनके लोगों ने पेंटिंग्स बनाए हुए हैं क्या बोलते हैं इतना प्यार इज्जत और उन्होंने सोनामारा गांव के लिए भी बहुत कुछ किया तो ये सब देख के पता चलता है यार आके एक इंस्पिरेशन मिलती है आपको हर कहानी से तो ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी होती हैं फिर मैं जबलपुर गया जबलपुर में सबसे बड़ा आर्मी एरिया है क्योंकि वो कई बॉर्डर्स को लगा हुआ है सबसे बड़ा आर्मी बेस जबलपुर में तो मैं वहाँ पर जाके आर्मी वालों से मिला वो डेयर डेविल्स नहीं 26 जनवरी को बाइक के ऊपर वो सब करतब दिखाते हैं टीज़र में वो उन्होंने स्पेशल हमारे लिए परफॉर्म किया OMG मेरे लिए मतलब हमारे शो के लिए तो मैंने उनके से मिला उन्होंने कैसे शुरुआत की कैसे किया आर्मी वाले मुझे मिले आर्मी वाले एक बच्चा आया मेरे को बड़ी खुशी हुई उसने मेरी तस्वीर पेंट की हुई थी बोलता है मैं OMG वो उनके फादर ने कहा जो आर्मी ऑफिसर हैं
इज़ अ मेजर इन द आर्मी, उन्होंने कहा मेरा बेटा बहुत OMG देखता है और हम खुशी से उन बच्चों को OMG दिखाते हैं। सबसे अच्छी बात है ये एक ऐसा शो है जिसको चला के आप अपने घर पे डर नहीं लगेगा आपको कि अगर आपका छोटा सा बच्चा देख रहा है तो पूरे परिवार का किसी को भी दिखा दो। आप छोटे से 5 साल के बच्चे को आप ये शो दिखा सकते हो, जिस बच्चे को समझ आने लग जाए उसको आप ये पूरा का पूरा शो दिखा सकते हो टॉप टू बॉटम। तो ये बड़े रेयर आज की डेट में ऐसे शोज बन रहे हैं जहाँ पर आप बच्चों को कुछ दिखाओ, आपके बच्चे एडुकेट हों। आपको एडुकेट भी होंगे आप, आपको नॉलेज इतनी बढ़ेगी, आपको पता चलेगा कि इंस्पिरेशन भी मिलेगी, मज़ा भी आएगा, फन भी मिलेगा, कॉमेडी भी होगी, मस्ती भी होगी, बहुत कुछ मिलेगा। सर जैसे कि अगर हम बात करें आपके बच्चे को, तो आपके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए, यू नो टेलीविज़न पे क्या कुछ है समझने लगे, तो क्या ये भी फॉलो करते हैं? नहीं अभी ना समझदार इतने नहीं हुए, 6.5 साल के हैं, समझ उनको पूरी आई है। गाना वाना सब गाते हैं, OMG मेरा इंडिया, मैं बोलता हूँ ना मेरा गाना बजाता हूँ, उनको पता है कि ये डैडी का गाना है और मुझे भी प्राउड होता है, अरे यार वो देखते हैं मेरा OMG। तो मैं उनके स्कूल में भी गया था चीफ गेस्ट में, बिलाबोंग स्कूल में, तो मेरे को उन्होंने स्टेज पे इंट्रोड्यूस किया, कृष्णा अभिषेक फ्रॉम OMG मेरा इंडिया, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल जगह पर आर्मी बेस में, और जहाँ पर ऐसी रिस्पेक्टेड जगह होती है ना वहाँ पर मैं जाता हूँ तो मुझे वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कृष्णा अभिषेक फ्रॉम OMG मेरा इंडिया, मतलब कितनी अच्छी बात है यार, एक प्राउड फीलिंग है। ये आपको शो ने एक ऐसी इज्जत दी है, मज़ा हमें सब करने में, मज़ा तो यार मैं कपिल शर्मा शो पे पता नहीं क्या क्या बन जाता हूँ, मज़ा बहुत आता है, वो एक हमारा रूप है, रूप के साथ साथ पैसा भी हम कमा रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं और लोगों को एंटरटेनमेंट भी दे रहे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में। आप ये आप ब्लेस्ड हैं, ये भगवान की ब्लेसिंग मानो और ऊपर वाले को थैंक यू अदा करो कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और सीज़न पे सीज़न आए जा रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में काम नहीं है, नहीं है, लोग परेशान हैं, तो आई थैंक गॉड। मुश्किल हो जाता है सीज़न 10वें पर हम आ गए, 8-10 साल एक चैनल के ऊपर, हिस्ट्री टीवी 18 छोटा चैनल है क्या, मतलब इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेड एंड अ ह्यूज चैनल, और यहाँ पे इसके मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। हिस्ट्री टीवी पे आप देखें, इनका एक प्रोमो आया था बीच में जिसमें इनके अब्रॉड के फॉरेन के कई सारे होस्ट थे, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, इससे बड़ी बात क्या होती हो सकती है एक एक्टर के लिए, और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मुझे मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमेडी शो नहीं देखते, कुछ होते हैं ना वो जो अर्बन ऑडियंस, नो वी डोंट वॉच द स्लैपस्टिक कॉमेडी, व्हाट यू डू, आई नो योर गोविंदास नेफ्यू, ऐसा मुझे बोलते हैं, वी डू कॉमेडी ऑन टीवी, ओके, नाउ वी डोंट वॉच दैट शोज, बट OMG मेरा इंडिया आया, अभी वी डू वॉच इट, वैसे भी ऑडियंस है जो ये शो वैसा देखती है। ऐसा कुछ नहीं है कि 10वें सीज़न पे हमने हर साल अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पिछले साल की इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन उससे पहले हम क्रूज़ पे भी कर चुके हैं। ऐसा मेरे क्यों सब मीडिया वाले बोल रहे हैं कि इस साल की बहुत ग्रैंड है, ऐसा कुछ नहीं, हम हर साल अच्छी करते हैं अविनाश सर, लेकिन इस साल की भी इन्होंने क्रूज़ पे रखी, हाँ लेकिन ये कमाल है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, कभी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बोट में नहीं आया, कभी भी नहीं, जिंदगी में पहली बार, तो अच्छा मेरा क्रूज का आज वो भी हो गया इनॉग्रेशन, और नहीं क्रूज पे मैं दुनिया भर में बैठा हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने नहीं बैठा था, तो मैं आज आ गया, मैंने चलो भी आपकी लाइफ में हिस्ट्री एक हिस्ट्री हो गई कि आज पानी के बीच में हमने अपना क्या बोलते हैं पोस्टर रिवील किया, जाते जाते ये मेरा अगला सवाल था कि पानी के बीच में हमने अपना पोस्टर रिवील किया, 10वें सीजन के ऊपर हम पहुँच गए, अपने फैंस को चाहने वाले को कुछ कहेंगे कृष्णा अभिषेक जो आपको बहुत प्यार दे रहे हैं? बस अब हम यही कहेंगे कि 12 फरवरी से ये आ रहा है, हर मंडे को आएगा शाम को 8 बजे, ये देखिए, उसके बाद बिग बॉस तो अभी ख़त्म हो गया है, वो तो आपने देख लिया, मुझे देखा आपने फिनाले में, मज़ा आया बहुत, माधुरी और मैं आया था, माधुरी जी और मैं हम सब आए थे, बहुत मज़ा आया था भारती के साथ, मैं तो हमेशा हम होस्ट करते भाई के साथ, बहुत मज़ा आता, और बिग बॉस देखिए, बिग बॉस भी देखिए, OMG देखिए, और मार्च या अप्रैल में से नेटफ्लिक्स पे कपिल शर्मा शो भी आएगा, तो वो भी देखिए, और उसके अलावा कुछ मत देखिए, आपको इतना सब एंटरटेनमेंट मिल रहा है और ये सब क्या देखने की ज़रूरत है आप लोगों को।
एंजॉय करो लाइफ को। अल्लाह उसने बोला ना हमारे लिए तो आरआईपी है। हाँ सर, आरआईपी मतलब रेस्ट इन पुणे। रेस्ट इन पुणे सर, या रेस्ट इन पुणे। हाँ आ जाओ सर, आ जाओ। आईफोन निकाल, आईफोन भाई जल्दी सिद्धे से भी लगा दो। हाँ अरे सेंटर पे हो जाए। सलीन चोपड़ा मारेंगी तेरे को। हाँ हेलो स्मार्ट। हाँ क्या बात है।